भेलपुरी गोलगप्पा। किरोल नाम के गांव में भीम और राम कहकर दो भाई रहते थे। उन दोनों के बीच कभी भी नहीं जमता था। उनके पिताजी और परिवार वाले जितना भी कहने से भी वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। ऐसे थोड़े दिन के बाद भीम ने पानी पूरी का गाड़ी को और राम भेलपुरी का गाड़ी को रख कर बेचना शुरू किए। वो दोनों उनके व्यापार सही से नहीं करके हमेशा लोगों के सामने झगड़ा करते रहते थे। एक दिन उन दोनों के पास श्याम नाम का एक आदमी आया। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर श्याम मन में, अरे ये दोनों बेवकूफ तो हमेशा झगड़ा करते ही रहते हैं, और आखिर में इनको सुधारने का जिम्मेदारी इनका पिता ने मुझे ही दिया। क्या करेंगे पता नहीं, इनसे कितना बातें सुनना पड़ेगा, कहकर राम के पास गया। फिर राम से श्याम, यार जैसे भी हो तुम्हारा टैलेंट अलग है रे, उसका पानी पूरी तुम्हारा भेलपुरी के सामने तो है ना। कहा तब राम, तो मुझे क्या करना है? चचुंदर कही का, क्या रे बोनी होने से पहले ही मुफ्त में खाने के लिए आए हो क्या? जाओ जाओ, इधर मुफ्त में कुछ भी नहीं है। कहा तब श्याम, अरे कौन से किस्म के इंसान हो यार तुम, तुम्हारा तारीफ किया तो उल्टा गुस्सा करने वाला केवल तुमको ही देख रहा हूँ यार। तुम जितना भी गाली देने से शर्म छोड़कर आ रहा हो ना, इसलिए जाओ रे जाओ, मैं भीम के पास जाऊंगा, वो अच्छे से पानी पूरी देता है पता है। कहकर भीम के पास जाकर उसको भी खूब चढ़ाया। तब भीम, क्या रे उसने भेलपुरी नहीं दिया इसलिए मेरे पास आए हो क्या? पहले उसके पास गए थे ना, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ जाओ। कहा तभी वहां पर एक आदमी भेलपुरी को गोलगप्पा में डालकर खा रहा था। वो देखकर आश्चर्य होकर श्याम उसके पास गया और फिर उस आदमी से, भाई दोनों को मिलाकर खा रहे हो, इतना अच्छा है क्या? पूछा तब वो आदमी, अच्छा क्या है भाई, अद्भुत रहता है। ये बात मैंने उन दोनों भाइयों से कब से कह रहा था, सुनते ही नहीं, हमेशा झगड़ा करने में ही गुजारते रहते हैं। कहकर श्याम को वो जो खा रहा था उसमें से एक भेलपुरी गोलगप्पा दिया। वो खाके स्वादिष्ट है कहकर श्याम ने भी बहुत तारीफ किया। श्याम अगले दिन राम से भेलपुरी और भीम से गोलगप्पा खरीद कर दोनों को मिलाकर 50 रुपए में बेचना शुरू किया। ये स्वादिष्ट रहने के वजह से लोग धीरे धीरे से श्याम के पास आकर खरीद कर खाने लगे। ये सब देखकर एक दिन श्याम के पास राम आकर, क्या रे चचुंदर कही का, हमसे खरीद कर तुम ज्यादा दाम में बेच रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये हमारा इलाका है। कहा तब श्याम, क्या रे हिम्मत, ये व्यापार है रे, ये मेरा धंधा है, मेरा स्टाइल ऐसा है। वैसा भी तुम ये सब खेती बाड़ी करके तैयार किया है क्या? तुम भी सारे कहीं से ही खरीद कर इधर आकर मिलाकर बेचते हो, इसलिए तुम्हारा काम तुम करो और मेरा काम मुझे करने दो। तुम्हारा भेलपुरी नहीं बेचोगे तो बताओ, मैं दूसरा सेटअप करूंगा। कहा वो बात सुनकर गुस्सा होकर भीम उधर आया और, क्या रे कल परसों तक हमारे पास आकर भीख मांग कर खाता था, अभी क्या ऐसे मुंह चला रहे हो? कहा तब राम, पैसे कमा रहा है ना भाई, इसलिए मुंह का खुजली ज्यादा हो गया है इसे। कहा तब श्याम, अरे खुजली समझो या बिजली समझो, यहाँ तो सब कुछ पैसा बोलता है, चुपचाप से सामान दोगे या फिर वो भी मैं खुद खरीद कर बना दूँ? कहा तब भीम, क्या रे तुम दोगे व्यापार हमें, हमको भी व्यापार पता है, तुमको 20 रुपए में जो सामान दे रहे थे उनको हम खुद 50 रुपए में नहीं बेच सकते हैं क्या? अब से हम दोनों भाइयों का अलग अलग सा गाड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही गाड़ी होगा, भेलपुरी गोलगप्पा का गाड़ी। कहा ऐसे अगले दिन से राम और भीम दोनों मिलकर एक ही गाड़ी में भेलपुरी गोलगप्पा बनाकर बेचने लगे। वो पसंद आकर लोग भी अच्छे से आकर खाने लगे और ऐसे ही वे दोनों फुल बिजी हो गए थे। उसकी वजह से श्याम का गाड़ी खाली हो गया। वो देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। उसके बाद दोनों भाइयों को मिलाने के लिए राम का पिता ने श्याम को बहुत तारीफ करके उसको पैसे देकर उसे भेज दिया।